छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना के वार्ड नंबर 6 में 267 पात्र व्यक्तियों को पेंशन के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी है, जिसमें जिला ऊना में नए 11,143 पात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिला है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा लाभार्थी ऊना सदर विस क्षेत्र के हैं। इसी कड़ी के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को पेंशन के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। सती ने आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 साल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन देने का फैसला किया है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि अब जिला ऊना में प्रदेश सरकार 58,000 से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अनेकों स्कीमें हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं। जब से जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन अलग अलग स्कीमों के माध्यम से गांव और शहरों के जितने भी गरीब लोग हैं, उन लोगों को क्या क्या सहायता दी जा सकती है। उसी कड़ी में जयराम जी ने एक 60 वर्ष से ऊपर जो भी महिला पुरुष हिमाचल प्रदेश का निवासी है, उस आदमी को, उस महिला को 1,000 रुपया पेंशन हर महीने देने का निर्णय लिया है। उस कड़ी में ऊना विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को ये नई पेंशन लग रही है। और उस कड़ी में आज ऊना शहर के अंदर जो कार्यक्रम रखा है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, जो ऊना शहर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी है, उसके साथ साथ जिन लोगों को जो पेंशन लगी है उनको हम लोग लेटर भी दे रहे हैं कि आपके खाते में आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो पैसा पड़ जाएगा। तो इस तरह हर गांव के अंदर जाकर के जो बेनिफिशरी हैं हमारी, जिनको लाभ मिला है गवर्नमेंट का, उन स्कीमों की जानकारी दे रहे हैं। वो चाहे फ्री में गैस के कनेक्शन हो, चाहे लोगों के घरों में फ्री में नलके लगाने का मामला हो, चाहे 60 साल से ऊपर पेंशन का मामला हो, या इस शहर के अंदर जितने भी लोग ऐसे जिनके पास घर नहीं था, उन लोगों को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से 700 लोगों को जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर बनाने के लिए पैसा दिया गया। और भी जितने लोग हैं जिनके पास मान लो लैंड भी नहीं थी, उनको लैंड भी दी गई है शहर के अंदर, या जिनके पास लैंड नहीं है उनको हम सोच रहे हैं कि गांवों में जाकर के लैंड दें ताकि आदमी मकान बना सके। क्योंकि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 2024 के बाद कोई व्यक्ति देश के अंदर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो कहे कि मेरे पास घर नहीं है। तो उनको ज़मीन भी देगी गवर्नमेंट और उनको मकान के लिए पैसा भी देगी। इस तरह से बहुत सी स्कीमें, 125 तक यूनिट फ्री, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिजली के 125 यूनिट फ्री का निर्णय लिया है। हिमाचल में लगभग 17 लाख लोग कंज्यूमर्स हैं जो बिजली के घरों में बिजली के मीटर हैं, लगभग 17 लाख, उसमें से 12 लाख लोगों का आने वाले टाइम में कोई बिल नहीं आया करेगा। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का बिजली का बिल माफ़ किया गया है। ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिसकी जानकारी हम कार्यकर्ताओं को, समाज को दे रहे हैं। उसके साथ साथ आज पेंशन जिनको लगेगी आने वाले टाइम में उनको लेटर भी हम लोग देंगे। सर, पिछले आपका फैसला के लिए ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा की रिपोर्ट।